जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल, बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आए हैं गूगल के 3 ऐसे एप्लीकेशन जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इन तीनों एप्लीकेशन इतना इंटरेस्टिंग है कि आप इन तीनों में से किसी न किसी को यूज करना आप जरूर चाहेंगे, क्योंकि है ही ये इतना इंटरेस्टिंग। तो चलिए हम देर ना करते हुए वो तीनों एप्लीकेशन के बारे में आपको बता देते हैं, और तीनों एप्लीकेशन के साथ साथ हम एक और बोनस के रूप में आपके लिए एक सेटिंग लाए हैं जो आपको हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। तो आप बोनस टिप जरूर लेकर जाइएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। गूगल का फर्स्ट एप्लीकेशन है वॉइस एक्सिस। यह एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको मोबाइल को बिना छुए आपको ऑटोमेटिक मोबाइल काम करेगा। मतलब आप अगर मोबाइल को कहीं रख देते हैं और आप मोबाइल से आप जो भी इच्छा हो आप उससे काम करवा सकते हैं अपने वॉइस के जरिए। आप उसे बोलिए, आप उसे इंस्ट्रक्शन दीजिए, वो आपका काम करते जाएगा। प्ले स्टोर में जाना है और वॉइस एक्सिस सर्च करना है। आपको पहला एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसका नाम होगा वॉइस एक्सिस। ओपन करते ही आपको फर्स्ट में ही ऑप्शन आएगा कैंसल और ओके का, तो आपको ओके कर देना है। और ओके करते ही आपको ढेर सारा ऑप्शन मिलेगा। उसमें आपको क्या करना है कि उतना सारे ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऑप्शन को आपको ढूंढना है जिसका नाम है वॉइस एक्सिस। तो इसे ढूंढने के बाद, वॉइस एक्सिस को ऑन करने के बाद, अब आपको वापस अपने होम पेज पर आ जाना है। और अब आप अपने मोबाइल के टॉप लेफ्ट साइड में देखिएगा, टॉप के लेफ्ट साइड में देखिएगा तो साउंड फेवरेट का एक सिंबल आपको दिखाई देगा। ओपन व्हाट्सएप, गो बैक, स्क्रॉल लेफ्ट। सेकेंड एप्लीकेशन का नाम है फाइंड डिवाइस। यह एप्लीकेशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा यूजेबल है। तो चलिए हम इस एप्लीकेशन के बारे में बताते कि यह है क्या। तो यह एप्लीकेशन हमारे मोबाइल को अगर खो जाता है तो उसे ढूंढने के लिए इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। आपको ये लोकेशन बता देगा कि आपका मोबाइल कहाँ पास है। और एक इसका बेहतरीन फीचर ये है कि इसमें एक प्ले साउंड कर का ऑप्शन आता है। ये जो प्ले साउंड है इसे आप अगर क्लिक करते हैं तो आपका मोबाइल, जो मोबाइल खोया हुआ है, वो मोबाइल बजने लगेगा ऑटोमेटिक। तो आपको देखिए ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, गूगल फाइंड माई डिवाइस। तो इस पर हम ओपन कर लेते हैं इसे, और ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे नीचे साइन इन एज गेस्ट पर क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ से क्लिक कर लिए हैं, और अब हम यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी मांगेगा। तो ईमेल आईडी यहाँ से हम दे देते हैं, मतलब खोए हुए मोबाइल का ईमेल आईडी, जो मोबाइल खोया हुआ है। मान लीजिए ये मोबाइल मेरा खोया हुआ मोबाइल है, हम इसका ईमेल आईडी इसमें डाल, ये ईमेल आईडी हमने डाल दिया। अब हम यहाँ से नेक्स्ट कर ले रहे हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से अब खोए हुए मोबाइल का पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड यहाँ से डाल देते हैं। ये यहाँ से अब हमने पासवर्ड भी डाल दिया, और अब आप देखिए क्या जादू होता है। देखिए जो मोबाइल खोया हुआ है उसका यहाँ पास लोकेशन बता दे रहा है, और इस जो खोया हुआ मोबाइल है उसका अब और चीज भी यहाँ पर शो कर रहा है, उसका नाम, कौन सा मोबाइल है, रियलमी नार्जो 50A, चार्ज कितना है, तो 94% है। तो आप यहाँ इसमें देख सकते हैं जो खोया हुआ मोबाइल है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी 94% है। और यहाँ पास आपको हम तीन जो बेहतरीन ऑप्शंस बताए थे वो यहाँ है। ये देखिए प्ले साउंड, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये मोबाइल बजने लगेगा। देखिए जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया और देखिए ये हुआ चालू, देखिए इसमें बजने लगा, और यहाँ पर लिख रहा है फाइंड माई डिवाइस ऐसा और इंगित हो रहा है। तो यहाँ पास अब हम इसे स्टॉप कर लेते हैं। लॉक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिक्योर डिवाइस पर क्लिक कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक मैसेज भी छोड़ सकते हैं उसमें। तो देखिए हम करके ही आपको बताते रहे, ये देखिए मेरा है, यहाँ से लिख लिया, और यहाँ से खोए हुए मोबाइल का मोबाइल नंबर डालना होगा। तो यहाँ से सिक्योर करेंगे तो देखिए ये मोबाइल क्या होगा, अपने आप पासवर्ड लग गया, और इसमें मैसेज भी आ गया। क्या मैसेज आया है, यह मोबाइल मेरा है। थर्ड एप्लीकेशन है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये एप्लीकेशन जो है ये भी गूगल का ही है। यह एप्लीकेशन क्या करेगा कि आपको मोबाइल से आप अपने कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाइएगा। मतलब एक तरह के ये हुआ कि आप अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर को आप यूज कर सकते हैं, अपने मोबाइल से आप अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं। तो इसके लिए आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वो गूगल का ही है। उस एप्लीकेशन का नाम है क्रोम रिमोट डेस्कटॉप। क्रोम में जाकर हम सर्च करने वाले हैं वेब स्टोर।
तो वेब स्टोर को क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए क्रोम वेब स्टोर नाम का एक वेबसाइट है, पहले नंबर पर ही है। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब हमने इसे ओपन कर लिया, अब हम इसमें सर्च करने वाले हैं। देखिए यहाँ पास जो आएगा सर्च के लिए, इसमें हम सर्च करेंगे क्रोम रिमोट डेस्कटॉप, इंटर प्रेस करेंगे। और इंटर प्रेस करते ही यहाँ पर देखिए एक क्रोम रिमोट डेस्कटॉप नाम का एक एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक कर लेना है और इसे ओपन कर लेना है। और यहाँ से देखिए इसे ओपन करते ही यहाँ पर ऐड टू क्रोम का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पास इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे, एक्सटेंशन का एक लोगो बन जाएगा, इसे इस पर जाएंगे और यहाँ से क्रोम रिमोट डेस्कटॉप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से इस पर क्लिक कर लिए और अब हम क्रोम रिमोट डेस्कटॉप, यहाँ पास आपको लिखा होगा सेटअप रिमोट एक्सेस, तो अगर इसे ऑन करना है तो टू अलाउ रिमोट एक्सेस टू दिस कंप्यूटर, मतलब इस कंप्यूटर में अलाउ करना है तो उसके लिए क्लिक करना होगा टर्न ऑन। तो यहाँ पास टर्न ऑन का एक बटन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं टर्न ऑन पर। यह हमने क्लिक किया। अब हम हमारे यहाँ पास आ रहा है चूज ए नेम, मतलब अपने कंप्यूटर का नाम देना है, इंटर ए नेम फॉर योर कंप्यूटर, तो अपने कंप्यूटर का एक नाम दे देना है। हम यहाँ पास ये भी बाय डिफॉल्ट छोड़ सकते हैं या फिर अपना कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर का नाम दे दे रहे हैं बिगलर्न ऐसा। और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। और अब देखिए यहाँ से आपको मांगेगा पिन 754380 और फिर इसमें भी रीने इंटर करना है पिन को, तो 754380 यहाँ से किया। और अब हम यहाँ स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देंगे और ये हो चुका है स्टार्ट। देखिए अब यहाँ से ऑनलाइन हो चुका है, मतलब आपका कंप्यूटर अब ऑनलाइन है। अब अपने मोबाइल में ये रिमोट डेस्कटॉप को ओपन करना है और वहाँ पास आप बिग लर्न करके आपको एक दिखेगा, उस पर आपको बस सिर्फ क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद उस पिन को डाल देना है, बस आपका कंप्यूटर कनेक्ट हो गया आपके मोबाइल से और आप अपने मोबाइल से अब इसे हैंडल कर। तो आइए अब हम आपको कनेक्ट करके दिखा रहे हैं कंप्यूटर को अपने मोबाइल से। तो चलिए हम पहले प्ले स्टोर से आपको दिखा देते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। सेम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, क्रोम रिमोट डेस्कटॉप। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? क्रोम रिमोट डेस्कटॉप। वो एप्लीकेशन ये है, तो दिख रहा है? तो इस एप्लीकेशन को हम ओपन कर ले रहे हैं और ओपन करने के बाद उसका नाम शो करेगा उस कंप्यूटर का। तो हमारा यही है कंप्यूटर जो अभी ऑनलाइन है, तो बिग लर्न इसका नाम रखा था हमने। तो यहाँ से अब हम बिग लर्न पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ से कनेक्टिंग लेगा और फिर वो पिन मांगेगा जो पिन हमने उसमें डाला हुआ है। देखिए यहाँ से वो पिन मांग रहा है, तो हमने डाला था 754380 ये डाले थे और यहाँ से कनेक्ट पर क्लिक कर देना है बस। अब आपका कंप्यूटर जो है से कनेक्ट हो चुका है। देखिए वहां पास भी शो कर रहा है योर डेस्कटॉप इज करेंटली शेयर्ड विथ ये जीमेल आईडी को यहाँ पर शो कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम जो भी सारा काम हम अपने मोबाइल से कर सकते हैं, इसे बड़ा कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। तो ये बड़ा का ऑप्शन आ जाओ, ऐसे देखिए ये आपका पूरा कंप्यूटर का पूरा डिस्प्ले यहाँ पर शो कर रहा है। तो अब हम इसे थोड़ा सा कट कर लेते हैं। अब हम यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, इसमें से फोटो को हम ऑन कर रहे हैं देखिए अपने मोबाइल से, ये देखिए ये देखिए हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल ही देखिए। और हम इसे क्लोज कर दे रहे हैं, मतलब बताइए हम अपने कंप्यूटर, मतलब हद है यार, ये छोटा सा डिवाइस ये इतना बड़ा सेटअप को अपने आप में कंट्रोल किए हुए हैं, मतलब कितना बड़ा बात है ये। यहाँ से हम इस पर क्लिक किए और यहाँ से हम बजा सकते हैं वीडियो सॉन्ग, हाँ हाँ हाँ। तो ज़्यादा नहीं दिखाते हैं, यहाँ क्लाइम आ सकता है हम। और अब हम बैक जाते हैं और आपको हम कुछ लिख कर भी दिखाते हैं। पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, पावर पॉइंट के यहाँ से ओपन कर लिया है और अब हम यहाँ से इसे बड़ा कर लेते हैं और इसमें हम लिखना चाहते हैं, लिखने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करें। अब हमें टाइप करना है तो कीबोर्ड तो आ ही नहीं रहा है, मेरा मोबाइल में कीबोर्ड कहाँ से आएगा? तो यहाँ पास देखिए कीबोर्ड दिया हुआ है, ऐसे ये ऐसे नीचे कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पास। यहाँ से लिखते हैं अपने चैनल का नाम बिग लर्न। हम इसे अब इसे हटाने के लिए क्या करें इसको हटा ही देने के लिए, इसको क्या करें भाई। अच्छा यहाँ से जाकर इस पर मार देते हैं, हट जाएगा, हाँ ऐसे हट गया। तो चलिए देखिए ये हो गया, हम कुछ भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के, जितना भी काम है हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम आते हैं बोनस टिप की ओर। बोनस में हम आपको देने वाले थे मोबाइल का एक ऐसा सेटिंग जो आपको मजा आए। इस सेटिंग का काम है, आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप
कभी कभी देखते होंगे कि काफी किसी भी चीज को लिखा हुआ रहता है और आप पढ़ने में बहुत अनसाते हैं या फिर आपको काफी दिक्कत होता है कि यार पढ़ने का मन नहीं है ऐसा, आप चाहते हैं कि यार वो कोई पढ़ देता तो कितना इजी होता। इसके लिए भी एक सेटिंग है सेटिंग में, तो हम यहाँ मोबाइल को सेटिंग को ऑन कर लिया और यहाँ से इसमें हमें ढूंढना है एडिशनल सेटिंग। तो ये रहा एडिशनल सेटिंग, तो एडिशनल सेटिंग पर क्लिक कर लेंगे और एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करने के बाद एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करेंगे और एक्सेसिबिलिटी के अंदर मिलता है सेलेक्ट टू स्पीक, तो इस पर क्लिक करके इसे और यहाँ से ऑन कर लेते हैं। तो ऑन कर लिया, यहाँ से ओके कर देते हैं और अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पास एक आइकन बन जाता है, इंसान का जो हाथ फैलाए हुए है ये एक आइकन बन जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पास, ये देखिए यहाँ पास। अब आपको बैक जाना है, अब हो गया ये सेटिंग, बस इतना ही सा था इसमें। अब कोई भी टेक्स्ट हो आप पढ़ना चाहते हैं तो उसे आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम क्रोम में कुछ सर्च किए, ये जो इंसान है इस पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पास देखिए क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा। अब हम जो भी पढ़ना चाहते हो वो उसको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, तो सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए वो खुद पर खुद पढ़ेगा। जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान सूची नेक्स्ट, भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की सूची 1947202, लिस्ट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया 1947 to 2022, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा निचली सदन में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार ना करें, आप सब्सक्राइब कर लें, वो आपको खुद पर खुद वो वीडियो मिल जाएगा।